नमस्कार दोस्तों स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस बी मेडिसिन में आज हम बात करने वाले हैं ट्राईकॉट फोर्टी एम इंजेक्शन के बारे में इसके क्या क्या विजेज हैं बेनिफिट्स हैं प्रिकॉशनरी से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल रहे ट्राईकॉट फोर्टी एम जी इंजेक्शन कैडिला फार्मास्यूटिकल्स का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है एक सौ अड़तीस रुपये पैंतालीस पैसे पर एम्पुल ये एक एम के ग्लास बेस के पैक में होते हैं जिसका कंटेंट होता है ट्राइम सिन चालीस एम इसका यूज आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा ये इंजेक्शन आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा ट्राइकोड फोर्टी इंजेक्शन एक कार्टिको ग्रुप की दवा है इस दवा का यूज इंफ्लॉमेशन यानी सूजन एलर्जिक रिएक्शन आर्थराइटिस और गाउट के उपचार में किया जाता है जैसे कि अगर आपको मांसपेशियों में या फिर शरीर पर कहीं भी सूजन आ गई है आपको ऑस्ट्रो आर्थोराइटिस की प्रॉब्लम्स हैं रोमेटाइड आर्थराइटिस हैं कोई भी स्किन डिसऑर्डर है यानी चरम रोग हैं आपको और भी एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हैं, हैं मल्टीपल स्क एलर्जिक रेनेटिस हैं एलोफेसिया आंतों में सूजन आ आगे हैं गंजापन की समस्या है टेनिस एल्बो बर्साइटिस ल्यूपस लाइक एंड प्लेनस की शिकायत हैं साथ ही आपको लंग्स या आंखों की कोई बीमारियां हैं जैसे कि अगर आपको अस्थमा आंखों में जलन आंखों की भोहें के बाल उड़ जाना या एटसेट्रा इनके और भी अगर आपको डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम्स हैं साथ ही एक्जिमा है बेडस और जीभ के छालों की समस्याएं तब ऐसी सभी समस्याओं में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल इंजेक्शन है साथ ही आपको साइनाविटीज हैं लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिक्स हैं कैलोइ्स जैसी प्रॉब्लम्स में भी डॉक्टर्स द्वारा ये इंजेक्शन आपको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि ये एलर्जी के अलावा भी काफ़ी सारी बीमारियों में यूज में ले जाता है जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग बीमारियों में से यूज में लेने की एडवाइस आपको दे सकते हैं बात करते हैं इसके डोज के बारे में तो इसे आई एम यानी इंट्रा मस्कुलरी देना इसे आईवी यूज नहीं लगाना है और कुछ डॉक्टर्स इसे कई बार दर्द वाली जगह पर डायरेक्ट लगाते हैं जैसे कि अगर आपको घुटने में कोहनी में या मसल में कहीं भी दर्द हो रहा है तो इस इंजेक्शन को वहीं पर ये लगाया जाएगा और इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लगातार ना लगाएं जितना आपके डॉक्टर ने बताएं वैसे ही और वैसे उतना ही आप इसका यूज करें सावधानी की अगर बात करें तो अगर आपको हार्ट डिजीज है लीवर या किडनी डिजीज है आपको ट्यूबर क्लोजिस हैं तब इसे हम इसका यूज़ ना करें या फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका यूज करें साथ ही ब्रेस्ट फ्रिंग मदर और प्रेग्नेंट लेडी भी इसका यूज करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें उसके बाद इसका यूज करें बात करते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में तो जो कॉमन साइड इफेक्ट आपको नजर आ सकते हैं वो है हार्ट रेट में चेंजेस होना कमजोरी जैसा लगना बार बार पसीना आना और आपको हेड हो सकता है इससे साइड इफेक्ट कुछ टाइम के लिए होते हैं कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं और भी हो सकता है आपको इनके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट नजर आए अगर कोई भी साइड इफेक्ट दिखते हैं तब ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए होगा अगर वीडियो अच्छा लगाएं तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू